दोस्तों आज मेरे पास ऑफिस में क्लाइंट आए। अब वो अपना घर का नक्शा लेके आए थे। अब उन्होंने मेरे को अपना घर का नक्शा दिखाया। वो काफ़ी हद तक वास्तु से बना हुआ था और जो छोटी मोटी कमियां थी वो मैंने उनको मार्क कर दिया कि सर इसको ये ठीक कर दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद जब हम नक्शा डिस्कस कर चुके थे तो हम चाय पी रहे थे, तब उन्होंने एकदम से मेरे से एक सवाल पूछा कि सर ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर क्या चीज़ है, इसमें सचमुच जान है नहीं है, रियल है ये फेक है, ये क्या चीज़ है। तो 2 मिनट तो मैंने सोचा, फिर मेरी हंसी छूट गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया सर, मतलब आप अचानक से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था उस समय मैंने कंसल्टेंट को अपने घर बुलाया था और 500 रुपये लिए उन्होंने मेरे से, और उन्होंने मेरे घर पे सारा चीज़ें चेक करी अच्छे से। और जब हम घर में नॉर्थ डायरेक्शन में आगे घूम रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में उनके घर पे ओपन था एरिया, तो जब हम नॉर्थ पे घूम रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे मतलब मेन होल का ढक्कन था, तो उन्होंने पूछा ये क्या चीज़ है। अब क्योंकि मैं वास्तु का जानकार नहीं हूँ और मैं सिविल का भी कोई ऐसा खास जानकार नहीं हूँ, तो मुझे अंदाजा था कि यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक आ रहा है और एक वाटर टैंक आ रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान था कि वहाँ पे जो वो ढक्कन आया हुआ है वो किस चीज़ का है। वो सोखते का है, बेसिकली वो सोखता था। सेप्टिक टैंक भी कई तरीके के होते हैं, वो सोखता बना रखा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता था ये वाला ढक्कन कौन से वाले का है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सर ये तो सोखता है मेरा। तो उन्होंने अपना वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर निकाला और 2-4 मिनट उसको चेक किया वहाँ पे। पीछे गए, आगे आए, उसको स्कैनर को लेके इधर घूमे उधर घूमे, तो एंड में उनको बोला कि ये तो बहुत नेगेटिव है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, ये तो नेगेटिविटी बना रहा है, ये देखो कितना नेगेटिव है, ये है वो है। खैर कहते सर मैं काफ़ी डर गया। मैंने अपने ठेकेदार को बुलाया, जो कॉन्ट्रैक्टर था मेरा उसको बुलाया। तो उसको बुलाकर मैंने कहा कि ये तो यहाँ पे सोखता नहीं होना चाहिए। तो उसने मेरे को ड्राइंग दिखाई कि सर सोखता उधर है, सोखता आपके नॉर्थ वेस्ट वाले कॉर्नर में है, ये आपका वाटर टैंक है, इसीलिए इसको ढक कर रखा है और सोखता आपका वहाँ खुला हुआ है, अभी उसको ओपन छोड़ रखा है, ये वाटर टैंक है और इसमें साफ पानी आएगा आपका। तो वो कंसल्टेंट कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे ये क्या हुआ, आपने तो क्योंकि नेगेटिव बता दिया। खैर कहते सर उन्होंने 5-10 मिनट फिर उसको चेक किया, फिर वो कहते ये तो बहुत पॉजिटिव है, मेरा स्कैनर अटक गया था बीच में जो वो नेगेटिव दिखा रहा था। तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ सर कि ये यूनिवर्सल वाला स्कैनर ठीक है गलत है। और कहते सर इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ क्योंकि मेरे को तो ट्रस्ट नहीं हुआ। एक तरफ तो जब तक उसको ये पता था कंसल्टेंट को कि ये सोखता है तब तक वो नेगेटिव था, और जैसे ही उसको पता लगा कि ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये अचानक से वो स्कैनर ने पॉजिटिव दिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कैसे हुआ सर? तब मैंने उनको बताया कि सर ये फ्रॉड चल रहा है आजकल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का, और ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, फिर मैंने उनको दिखाया यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, मैंने कहा इसी टाइप का आपका स्कैनर होगा, इसी तरीके से उसने खोल के दिखाया होगा, आपको बंद करके दिखाया होगा, बहुत सारे सैंपल्स होंगे, बॉक्स होगा, कई बहुत सारे तरीके का आ रहा है आजकल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, ओके किसी की छोटी डब्बियां हैं, किसी की बड़ी डब्बियां हैं, कोई बॉक्स बड़ा आता है, एक ही बॉक्स में 100 सैंपल होते हैं, एक आता है 2-3 बॉक्सों में अलग अलग सैंपल्स होते हैं। तो अगली बार जब आप भी वास्तु कराएं दोस्तों, ध्यान कीजिएगा, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के चक्कर में मत फंसिएगा। और इसको आजमाने के बहुत छोटे छोटे 2-3 तरीके होते हैं। यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके अगर आपके पास कोई आ रहा है, लोग बड़ा कुंडली कुंडली करने लगे हैं कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से काल सर्प दोष चेक हो जाता है, तो आप वैसे ही चेक करा लो उनसे बिना उनको डिटेल दिए अपनी कोई, कि डिटेल तो हम आपको अपनी नहीं देंगे, आप ये बताओ किसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, किसकी कुंडली में राहु भारी है, किसकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट भारी है,
तो आप ये पूछ सकते हैं। दूसरा, आप दो तीन कंसल्टेंटों को, क्योंकि 500,000 रुपये लेके आते हैं, तो आप दो तीनों को बुला के पूछ सकते हैं। आप एक से पूछ लो मेरे घर में जियोपैथिक टेस्ट कहाँ है, दूसरे से पूछ लो, सब अपना अलग अलग बताएंगे, सब अपना अपना जियोपैथिक टेस्ट अलग बताएंगे। कोई कहेगा बेड के नीचे, कोई कहेगा मेन एंट्रेंस पे, कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा। ऐसे ही आप उनको चेक कर सकते हैं। तीसरा, आप उनसे खुद बोल दीजिए कि अगर ये चीज़ नेगेटिव है और आपको नेगेटिव दिखा रही है तो मुझे भी दिखाएगी। अगर ये इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक है तो ये सबको सेम रीडिंग दिखाएगा, आपको भी वही दिखाएगा, मेरे को भी। आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको टेस्ट करने के 100 से ज़्यादा तरीके हैं कि आप इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को चेक कर सकते हो। कोई भी एक तरीका आजमा लो और उससे चेक कर लो। और इवन एक बहुत सिंपल तरीका है कि वास्तु कंसल्टेंट को बोल दो कि सर, अब आपने यहाँ पे जियोपैथिक स्टेज में जो भी उस कंसल्टेंट ने बताया कि अब हम आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं, हम आपको बाहर घुमा के लाएंगे और आप फिर यहाँ आके चेक करके मेरे को हमें बता दो आंखों पर पट्टी बांधे बांधे कि जी कहाँ है। जो आपने पहले पॉइंट बताया था वहीं आप जाओगे तो आपको आपका ये यूनिवर्सल स्कैनर दिखा देगा सेम रीडिंग, और आप तो बता ही दोगे कि हाँ ये वो जगह है। यूनिवर्सल और स्कैनर वाले तो कौन कौन से दावे करते हैं, मैं ये देख सकता हूँ, मैं कुंडली बता दूंगा, वो अगला पिछला सब बता रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल और स्कैनर एक ऐसी मशीनरी हो गई है जिससे आप वर्ल्ड की कोई भी चीज़ कैसे भी चेक कर सकते हो, कुछ भी पता लगा सकते हो। दोस्तों, अगर ये इतना ही साइंटिफिक और इतना ही सटीक चीज़ होती तो साइंटिस्ट पागल नहीं है। लोग जो इतना रिसर्च कर रहे हैं, आजकल कंसल्टेंट बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं सिर्फ यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पे। आज भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है और ये तो मेरे साथ हुआ है, और भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे पास खूब व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोस में कि ये जो लोगों के साथ हुआ है बहुत रिवर्ट आ रहे हैं। और आप भी अपना नीचे डिटेल डालना ना भूलें दोस्तों, डिटेल डालिए जिससे मैं आपको कॉन्टेक्ट कर पाऊँ और आपकी स्टोरी जान पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।